हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ केला खेती, जिसमें गोबर कीड़े की सबसे ज़्यादा समस्या है। वो पौधे उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, उसकी जड़ों को खा जाती है और पौधा सूखने लगता है। आप देख सकते हो इस प्रकार। इस प्लाट में 1300 पौधे लगे हैं, जिसमें से लगभग 40 से 50 पौधे उनको डैमेज किया है। मैं आपको और भी पौधे दिखाऊंगा किसान भाइयों, और इसका इसमें क्या दवाई चलेगी उसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, मैं एक और पौधा आपको दिखाता हूँ। देखिए किसान भाइयों, इस पौधे के पत्ते सूखने लग गए, देख सकते हो। इसमें गोबर कीड़े का प्रकोप है, जड़ में गोबर कीड़ा बैठा है और उसको धीरे धीरे जड़ों को काट रहा है, खा रहा है, जिससे पौधे सूखने लग गए। और भी मैं दिखाता तो हूँ, स्वस्थ पौधा एक पौधा है, ये देख सकते हैं किसान भाइयों। अगर ऐसी समस्या आपके खेत प्लाट में है, अगर तो मैं आपको दवाई बताता हूँ, जो आप ड्रिप से या ड्रिंचिंग करके गोबर कीड़े को ख़त्म कर सकते हो। 100% गोबर कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास ड्रिप है तो बहुत ही शानदार, पूरे देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये ड्रिप से पानी चल रहा है अभी और इसमें दवाई मिलाई गई है, तो बहुत ही बढ़िया, पूरा पौधे के जड़ों में फैल जाएगा दवाई भी और पानी भी, तो गोबर कीड़ा मर जाएगा उस दवाई से। मैं आपको दवाई का नाम और उसका फोटो में दिखाता हूँ। क्लोरो पाइरीफॉस 75% WG, और आपको 1 एकड़ में 250 ग्राम चलाना है। क्लोरोपेप्स नाम है कीटनाशक, क्लोरोपाइरीफास 75% WG। ये स्वस्थ पौधा दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत शानदार। लेकिन अभी 10% ही गोबर कीड़ा पौधों को डैमेज कर रहा था, इससे पहले ही हम ड्रिप से चला रहे पानी, देख सकते हो आप।